नाम बता दिया इन्होंने, शहर भी बता दिया है, कानपुर से हैं, और कानपुर में भी ऐसे मोहल्ले से हैं जिसमें कोई मात्रा नहीं लगती है। परमट। दो जगह ऐसी है कानपुर में, एक है मरघट और एक है परमट, मात्रा नहीं लगती है। और कहावत यह है कि वहां के लोग मारते कम घसीटते ज्यादा है। अब रही बात कानपुर की आ रही है, तो कानपुर कुछ मामलों के लिए फेमस है। पहली चीज है गाली। यहाँ थोड़ा बाउंडेशन लगा दी गई है तो हम बकेंगे नहीं, लेकिन अगर मुंह से निकल आए तो समझ जाना कि शरीर यहाँ है, आत्मा वही है। दूसरी चीज है कि बकलोली। कानपुर का हर आदमी बकलोल होता है, एक आपके सामने खड़ा है। और तीसरी चीज है हर चीज में जवाब देना है। अच्छा, कुछ उस्तादी और है कानपुर में। जब आप कानपुर, कितने लोग गए हो आप लोग में से? चलो जितने गए उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, जो नहीं गए हो मोक्ष प्राप्ति के लिए एक बार चले जरूर जाएं। कानपुर जब जाते हैं तो वहां की शुरुआत जो होती है आपको लाल रंग के, कत्थई रंग के, बिल्कुल रंगनुमा पिकासो की पेंटिंग से बढ़िया चीज से मिल जाएगी, गुटका। इस कदर थुकाया है, इस कदर थुकाया है कि पिकासो आज हैरान है कि उसकी पेंटिंग से बढ़िया किसने ये चित्र बनाया है। अब हालात इस कदर है कि कानपुर वालों में मना शब्द से बड़ा कुरेज है। मतलब आप मना करके देखो, मना ना, ना मना शब्द से कुरेज है। यहां पेशाब करना मना है, सलाम मना पे इतना पेशाब करेंगे यहां थूकना मना है, मनाते कई चीजें। अच्छा आज क्या हुआ कानपुर की तो बात है, आज सवेरे पेट्रोल डलाने गए, मूड खराब हो गया बहुत जोर। पेट्रोल डला रहे थे तो उसको हम पहले तो वेट कर रहे थे, और ऐसे मुंडी गई तो मोदी जी ही करके पोस्टर लगाए। अब मैंने कहा ये मतलब क्या है, वो वाला प्यार यापा है कि साला इधर साला पेट्रोल बढ़े जा रहा है, उधर ही करके मुझे क्या है। हद में यार, अगर कोई अच्छा काम किया तो फोटो लगाओ, है ना। यहां मरी पड़ी जा रही है, उधर ही कर रहे हो। तो एक तो ये है, तो इनके बारे में जो कुछ कहा जाए कम है। तो अभी आजकल बड़ा दौर चल रहा है, भक्तों का भी दौर चल रहा है ना। तो नहीं है कोई साथ, साथ पे तो लिंचिंग नहीं हो रही है, फेसबुक पे तो बहुत कस के हो रही है लिंचिंग इतना अब तो हमारी। अच्छा एक और बात थी कि आज बड़ा ये बोल रहे थे कि लोग कहीं घबरा रहे हो, क्या घबरा रहे होते हैं। तो हमने कहा यार देखो, ऐसा घर में हम घबराए रहते और संजोग से घरवानी यहाँ आ गई है, तो हम वाकई घबरा रहे हैं, क्या करें। अच्छा तो कानपुर में एक और चीज बड़ी फेमस है, लोगों के नाम है ना, वो नाम इस तरह के होते हैं। जैसे मान लो कि कोई दुबला पतला है तो सूखा रख दिया, कोई तमाम नाम होते हैं, कुछ अश्लील भी होते हैं, नहीं बोलेंगे। लेकिन हमारे एक दोस्त का नाम था, हमारे जो अब इतना फाउंडेशन लगा दिए, क्या करें मतलब, डॉट डॉट बीप बीप सब दो। तो एक का नाम था चड्डी, अब कभी पैंट में नजर नहीं आता था। अच्छा उसमें भी ये होता था कि बंदे को आइडेंटिटी इतनी अच्छी उसमें लगने लगती थी कि अपना ओरिजिनल नाम भूल के वो उसी नाम को आत्मसात कर लेता था। अगर किसी का नाम राकेश है और प्यार से दोस्त उसको चड्डी कह रहे, तो वो तब तक नहीं सुनेगा जब तक उसको चड्डी ना बुलाया जाए। तो एक तो दोस्त चड्डी, एक तो जिनका नाम था भू। अब भगवान जाने कैसे उनका नाम भू रख दिया गया, मतलब कुछ लोग हग्गा कहते थे, कुछ भू कहते थे, लेकिन भू उनका बड़ा फेमस नाम था। और हमें मतलब चलने में शर्म आ जाती थी भाई, कई बार कहां गए बोले भू के साथ गए। एक दिन नीचे खड़े, अरे बोले पाटिल, तो हमने कहा कौन है बे, तो बोले गु है। तो
हमने कहा दिख नहीं रहा हो, बोले नीचे झांक के देखो तब दिखेंगे। बड़ा अजीब स्थिति है यार। मैंने कहा यार ये तो नाम भी ऐसा रखे, और कभी कभार हम खाना खा रहे तो उस बीच में आ गए महाराज। अब हमारी अम्मा, अम्मा तो सबकी निर्दोष होती, उनको क्या मतलब। अरे वो आवा है, मैं कौन, बोले बू। हमने कहा यार खा तो ले लो, ऊपर बुला ले, हमने बुला लो। अब माँ तो माँ होती है ना, दोस्त का भी हालचाल पूछती है, क्या भला अपना लौंडा खाना खा रहा हो। अब बेटा गुरु बड़े पतले हो गए, खाने पीने को नहीं मिल रहा, बिल्कुल सूख गए हो तो है। हमने कहा अम्मा यार अभी खाना खा लें दो। अरे नहीं कुछ खिलाओ पिलाओ इसको, देखो है बिल्कुल सूख के लेंडा हो जा रहा है। तो ये तो दोस्तों की कहानी थी, है ना। तो ऐसे ही हमारे मोहल्ले में लल्लन पान वाले थे, तो उनको बड़ा मतलब मजा आता था। वो कहते थे उनके पास हर चीज का जवाब होता था, कनकुरिया है हर चीज का जवाब होगा, है ना। तो तो हमें अच्छा इंसेंटिव मिला है वैसे ये। तो भैया उनके पास हर चीज का जवाब रहता था। अपने समय पे मैट्रिक थे और अपने आप को एक एक कहावत थी पहले की, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है, ये लल्लन चाचा अपने आप को केबीसी का कंप्यूटर समझते थे। मतलब तो हर चीज का इनके पास जवाब है, चाहे सारा आता हो चाहे ना आता हो। तो इन्होंने कहा भाई एक दिन कोई अच्छा इनसे मौज भी लेते थे लोग, इनसे पूछते भी ऐसे थे। तो एक दिन बोले चाचा, हाँ बोले हाँ, रिलेटिविटी का सिद्धांत बताओ जरा। अब कुछ छठे सातवें आठवें का साइंस का स्टूडेंट होगा, इनकी मस्करी लेने पहुंच गया। तो चाचा ये नहीं कहते थे कि बेटा नहीं आता है, चाचा फुल कॉन्फिडेंट, कानपुर की भाई बेइज्जती हो जाएगी यार कानपुर की अगर कह दिया नहीं आता है तो, भाई फुल कॉन्फिडेंट में कहते थे हाँ बेटा पूछो, चाचा रिलेटिविटी का सिद्धांत बता दो जरा। तो बोले रिलेटिविटी है लौंडा पूछ रहा है, यानी रिलेशनशिप और रिश्तेदारों के बारे में कुछ पूछ रहा है गुरु। तो रिलेटिविटी का सिद्धांत बेटा ये कि रिश्तेदारों से थोड़ा दूर रहो, दूर की रिश्तेदारी सबसे अच्छी है, ये जो पास आएंगे तो तुम्हारा कलेजा खाएंगे, है बेटा। तो दूर की रिश्तेदारी सबसे भली, ये रिलेटिविटी का सिद्धांत है। तो बोले चाचा यार कुछ गड़बड़ा रहा है मामला। तो चाचा वो मस्करी लेने में लगा, अच्छा चाचा ये बताओ कि ये लाभ मौसम क्या होता है। हाँ आज जहां पहुंच रहे वही पहुंच रहे हम भी, जहां पहुंच रहे वही पहुंच रहे। तो लाभ मौसम क्या होता है। तो बोले लाभ मौसम बेटा थोड़ा इसको सही बताओ कि मैं टट्टी का भी कोई कानून होता है क्या। अब पूछो तो बता देते हैं। तो बोले बेटा ऐसा है कि इसके कुछ नियम ऐसे होते हैं कि भोर में 4 बजे जाओ सबसे बढ़िया रहेगा, पेट सफा रहेगा, पहला नियम तो ये, ठीक है। दूसरा नियम, ट्रेन में जाते समय एक कपड़ा अवश्य रखे, पानी मिले ना मिले, मोशन का सिद्धांत है, आपके पास अपना सामान रहेगा, आप साफ कर सकते हो। बोले यार ये अजीब आदमी है यार, बोले चलो और मौज ले लेते हैं इनकी। उसके बाद इनसे कुछ नहीं पूछ लिया कि चाचा ग्रेविटी के बारे में कुछ जानते हो, ग्रेविटी, ग्रेविटी का सिद्धांत। अरे बोले ग्रेविटी का सिद्धांत कौन नहीं जानता है, बड़े बड़ी मतलब इतना प्यारा उसका सिद्धांत है, उसके बारे में तो जो कुछ कहा जाए कम है, पूरे मोहल्ले में सबसे समझदार तो ग्रेविटी है। बोले ये क्या। अरे बोले देखो ग्रेविटी का सिद्धांत ये है कि ग्रेविटी जो है पेशाब शर्मा जी के चबूतरे पे करती है और लैटरिन वर्मा जी के चबूतरे पे करती है। बोले चाचा किसकी बात कर रहे हो। अरे बोले यार ग्रेविटी जो है चौरसिया जी की कुतिया का नाम है।